अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घरों पे होंगे और सेफ होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस के बारे में। अब प्रीफिक्सेस क्या हैं? प्रीफिक्स कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जिनको हम वर्ड्स के साथ ऐड करते हैं, लेकिन जो प्रीफिक्सेस होते हैं वो मीनिंग्स को चेंज कर देते हैं, लेकिन वो पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज नहीं करते। मोस्टली सफिक्सेस जो होते हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज कर देते हैं। अब सफिक्सेस क्या है? सफिक्सेस वो लेटर्स हैं जो कि हम किसी वर्ड के बाद में ऐड करते हैं, लेकिन आज हम प्रीफिक्सेस को डिटेल में देखेंगे। प्रीफिक्सेस कॉमनली शो साइज। जो प्रीफिक्सेस साइज को शो करते हैं उसमें हम आप मैक्रो और माइक्रो बताते हैं, जैसे कि माइक्रो फिनेंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो प्रीफिक्सेस क्वांटिटी को शो करते हैं उसमें हमारे पास मोनो, यूनि, बाय, ट्राई, क्वाड, मल्टी और पॉली आता है। जैसा कि हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, जिसको अक्सर लोग मल्टीनेशनल कंपनी भी कहते हैं। जो प्रीफिक्सेस रिलेशनशिप को शो करते हैं उसमें एंटी, कॉन्ट्रा और कॉम आते हैं हमारे पास, जैसे कि एंटी यूरोपियन। जैसा कि एंटी, तो एंटी डैंड्रफ आपने अक्सर सुना होगा। ये टू वर्ड्स को जोड़ा है, इसमें एंटी हमारे पास प्रीफिक्स है और डैंड्रफ जो वर्ड है उसके साथ हमने एंटी को ऐड किया तो एंटी डैंड्रफ बन गया। जो प्रीफिक्सेस टाइम को शो करते हैं उसमें हमारे पास फोर, प्री और पोस्ट होते हैं, जैसे फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट, हमें वेदर के बारे में पहले बताया जाता है। द पार्टी इज पोस्टपोन्ड, मतलब पार्टी पोस्टपोन कर दी गई, बाद पे रख दी गई, डिले कर दी गई। जो स्पेस को शो करते हैं, मतलब किसी जगह को शो करते हैं, उसमें इंटर, इंट्रा, पेरी, सब और ट्रांस आते हैं हमारे पास। ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस या ओवर। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसफ्यूजन और ट्रांसप्लांट। कुछ प्रीफिक्सेस ऐसे होते हैं जो कि क्वालिटी को शो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैल, जैसा कि आपने सुना होगा मैल फंक्शन, मतलब ईवल और बैड। कुछ प्रीफिक्सेस ऐसे होते हैं जो कि नेगेशन को शो करते हैं, नेगेटिव बना देते हैं, उस वर्ड का टोटली ऑपोजिट बना देते हैं, जैसे डिस, इल, मिस, नॉन और अन, अनएजुकेटेड, इम्पॉसिबल। पॉसिबल के साथ हमने इम मिलाया, इम्पॉसिबल, तो इसका मीनिंग बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया। जैसा कि डिस और अन को देखते हैं, अपेयर और डिसअपेयर, जब हम इसके साथ प्रीफिक्स डिस ऐड कर देते हैं तो ये डिसअपेयर बन जाता है। टाई, इसके साथ हम प्रीफिक्स अन यूज करेंगे तो वर्ड बन जाएगा अनटाई, दैट इज टोटली ऑपोजिट टू द ओरिजिनल वर्ड। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट। हैव यू एवर हर्ड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? यहां पर एंटी अगेंस्ट में भी आता है, लाइक एंटी थेफ्ट डिवाइस। को के मीनिंग्स होते हैं टुगेदर के, लाइक कोऑर्डिनेट, जिसका मतलब होता है ऑपोजिट, डिसलाइक। इल का मतलब होता है ऑपोजिट, अगेन लीगल, इलीगल। पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इंटर, इसका मतलब होता है बिटवीन, इंटरकॉन्टिनेंटल। इर, इर भी ऑपोजिट बनाता है, जैसे रेगुलर और इरेगुलर। मिस मतलब बैडली, मिसबिहेव। ओवर, इसका मीनिंग होता है टू मच, ओवरवर्क। आउट, इसका मतलब होता है मोर, आउट नंबर्स। पोस्ट, मीनिंग ऑफ पोस्ट इज आफ्टर, पोस्ट ग्रेजुएट। प्री मतलब बिफोर, पहले, प्री अरेंजमेंट्स। प्रो मीन्स इन फेवर ऑफ, प्रो यूनियन, प्रो यूरोपियन।
सुपर मतलब ग्रेटर देन, सुपर ह्यूमन बीइंग, और सुपर हीरोज। ट्रांस मीन्स अक्रॉस, ट्रांसप्लांट। अन मतलब नेगेटिव, अनब्लॉक और अनहैप्पी। अंडर इसका मतलब होता है नॉट इनफ, अंडरकुक्ड। देयर आर फ्यू रूल्स, प्रीफिक्स के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। वी विल यूज इल इंस्टेड ऑफ अन विद द वर्ड्स दैट बिगिंस विद एल। जो वर्ड्स एल से स्टार्ट होते हैं उनके साथ हम अन यूज नहीं करेंगे, हम इल यूज करेंगे। लाइक इलीगल, नॉट अनलीगल। हम इम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ अन जो वर्ड्स पी से स्टार्ट होते हैं। लाइक पॉसिबल, इसके साथ हम अनपॉसिबल यूज नहीं करेंगे, हम इम्पॉसिबल यूज करेंगे। वी यूज इर विद द वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद आर। अक्सर हम जो वर्ड्स आर से स्टार्ट होते हैं उनके साथ अन की जगह हम इर यूज करते हैं, लाइक इररेस्पॉन्सिबल। कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए, जैसे कुछ लोग अनकनेक्ट कह देते हैं, जबकि अनकनेक्ट नहीं होता, डिसकनेक्ट होता है। और डिसबिहेविंग नहीं होता, मिसबिहेविंग होता है। और कुछ प्रीफिक्सेस ऐसे होते हैं जो कि बेस पार्ट होते हैं किसी वर्ड के, जैसे कि इमीडिएट। इसके साथ कोई और वर्ड नहीं है, ये वर्ड ही इमीडिएट है, लेकिन इसके साथ प्रीफिक्स इम यूज हो रहा है। That was all about prefixes. I hope that you understand now what are prefixes. We will meet in next video. Till then, Allah Hafiz.